चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं प्रधान शिक्षक बहाली का जो पेपर पेपर में सेकंड पार्ट आएगा 75 मार्क्स का, उसमें डीलिट का विषय होगा। तो उसका पूरा जो सिलेबस है वो लोग हम लोग देख लेते हैं। 75 मार्क्स काफ़ी माने रखता है हम लोगों के लिए, तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं। इकाई वन, हम इसको इकाई वाइज देखेंगे। तो इकाई वन में हम लोग बात करते हैं बच्चे और बचपन, बाल अधिकारों का संदर्भ, शिक्षा, शिक्षा विद्यालय और समाज, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, शिक्षा इसकी अवधारणा और उद्देश्य, और शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार और ज्ञान की अवधारणा। ये एक बार पढ़ लेना है, थोड़ा सा थियोरिटिकल है पढ़ के, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे जो आपको क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। और दूसरे इकाई के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो दूसरे इकाई हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं और बनेंगे। जैसे महात्मा गांधी के बारे में आपको जानना है, गिजुभाई बधेका हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, मारिया मंटेसरी हैं, ज्योतिबा फुले हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, जय कृष्णामूर्ति और जॉन डीवी, तो ये सारे के सारे जो फिलोसफर्स हैं, इनका शिक्षा के लिए क्या चीज़ उनने कहा, क्या ज़रूरी था क्या नहीं था, ये सारा चीज़ एक बार आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। और तीसरा जो इकाई है उसमें पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में आप क्या है, क्या अंतर है, बचपन और मनोसामाजिक कारक क्या क्या है, बाल विकास उसकी अवधारणा क्या है, बच्चों के शारीरिक और मनोगत्यात्मक विकास, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, खेल के आशय, व्यक्तिगत विकास के विभिन्न आयाम और नैतिक विकास और बच्चे, मतलब ये सारे जो टॉपिक्स हैं सर, ये आपको एक बार पढ़ लेना पड़ेगा। और पढ़ने के बाद ही आपको इसका ऑब्जेक्टिव आप हल्का, बड़ा आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार देखेंगे तो डीएलएड का कोर्स आपको समझ में आना आ जाएगा। और चौथा आप लोग एक बार देख लेते हैं, चौथा इकाई जो है इसमें ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके बारे में बात ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा में बाल केंद्रित और समावेशी वातावरण, दिव्यांग बच्चे और बाल्यावस्था, शारीरिक शिक्षा अवधारणा और महत्व, राज्य में प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है, शिक्षा चुनौतियां और उसका नवाचार, उसको नए तरीके से किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, ये सारी चीज़ों को आप एक बार डीएलएड के कोर्स से निकाल कर देख लीजिए। इसी से सारे क्वेश्चंस बनेंगे, 75 मार्क्स इसको आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, चौथा से हो गया पाँचवा इकाई। पाँचवें इकाई में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये जो पाँचवा इकाई है इसमें सबसे पहले विद्यालय संस्कृति के संगठनात्मक पहलू, शिक्षा का अधिकार और विद्यालय व्यवस्था का में जो परिवर्तन है, समावेशी शिक्षा और विद्यालय प्रबंधन स्कूल मैनेजमेंट, कला समेकित शिक्षा, पाठ्य सहगामी वो सशैक्षिक क्रियाएँ, विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रियाएँ हैं, ये सारा आपको 75 मार्क्स से पूछा जाएगा। वो चूँकि पहले पार्ट में तो आपको GS आएगा, जनरल साइंस, वो तो आप कर ही लेंगे, लेकिन ये आपके लिए ये भी आपके लिए आसान पड़ेगा, एक बार सिर्फ देख लेना है, एक बार पढ़ लेना है सरसरी तौर पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप पकड़े जाएंगे सारे के सारे। हम लोग बात करते हैं अब यूनिट 6 के बारे में। इसमें निकटवर्ती जो आपके स्कूल से जो संस्थाएं हैं, जैसे डाइट है, CRC है, BRC है, PTEC है, और फिर राज्य स्तरीय अगर हम बात करते हैं CRT है, BEPC है, BSSB है, BSEB है, BBOSC है, BSEMEB है, और राष्ट्रीय स्तर की बात करें नेशनल लेवल के तो NCERT है, CBSE है, NIEPA है और NCTE है। इन सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं, इनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है कि कब इनका है ना, कब और कैसे ये काम करता है। तो चलिए आगे यूनिट 7 के बारे में बात करते हैं, विद्यालय में ICT। आप ICT मतलब कंप्यूटर्स का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, और शिक्षण में ऑडियो विजुअल का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, एंड ऑडियो और अपना वीडियो का, और फिर सबसे बड़ी बात है NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008 के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है, यहीं से क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को देख लेंगे, ताकि आपको जो 150 मार्क्स का जो 50 जो सेकेंड पार्ट होगा उस पूरे क्वेश्चन में 150 मार्क्स होंगे, और दो सेक्शन होगा, पहला सेक्शन तो GS का होगा, और ये दूसरा सेक्शन रहेगा आपका DLED से संबंधित कुछ, जो कि अभी हमने आपको बताया है। तो हम कामना करते हैं कि आप इसको एक बार पढ़ लेंगे
और फिर जो जो प्रधान शिक्षक है उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप तैयारी करिए और इसको करेक्ट करिए।